गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज दी पंजाबी दी क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज असी कापी ते लिखन दा तरीका सिखांगे। ते चलो फिर अपनी स्क्वायर लाइन कॉपी ते पेंसिल लेके तैयार हो जाओ। बच्चों ए थोड़ी स्क्वायर लाइन कॉपी है। सब तो पहले पेज ते असी अपना नाम लिखांगे, जिमें कि मैं हैडिंग पाया होया है, इसके अगे तुसी अपना नाम लिखोगे। फिर एक लाइन छड़ के क्लास दे अगे लिखोगे थर्ड, फिर एक लाइन छड़ के सब्जेक्ट दे अगे लिखोगे पंजाबी। बच्चों आओ आज असी पंजाबी दी कापी ते लिखन दा तरीका सीखिए। सब तो पहले असी दो लाइना छड़ के, जिमें 1 2 दो लाइना छड़ के स्केल दी मदद दे नाल मार्जिन लाइन ड्रॉ करांगे। जिमें कि तुसी देख सकते हो मैं मार्जिन लाइन ड्रॉ कीती है। फिर उपर असी एक लाइन छड़ के फिर स्केल दे नाल लाइन ड्रॉ करांगे। हुण असी इत्थे डेट पावांगे, जिमें कि मैं डेट लिख रही हाँ 6-6-20। दूसरी साइड ते असी होमवर्क पावांगे। जो तुसी क्लास वर्क करोगे मेरे नाल ते असी लिखांगे CW मतलब क्लास वर्क। अज असी होमवर्क करन जा रहे हां ते असी लिखांगे HW। सब तो पहले बच्चों असी 35 लिख के लिखन दा तरीका सीखोगे। देखो एक लाइन छड़ के हुण मैं 35 दा हैडिंग दवांगी, पप्पा पप्पे दुलावा बिंदी तत्ते बिहारी। असी लिखन लगे एक तरीके नूं याद रखना है कि जड़ा भी अक्षर असी लिखना है वो पूरे बॉक्स दे विच आए, ना तो असी छोटा छोटा लिखना है ते ना ही बहुत वड्डा वड्डा लिखना है। आओ देखिए किवें लिखना है। 35 दा हैडिंग दे के एक लाइन छड्डांगे ते फिर असी लिखांगे मार्जिन लाइन तो बाद गूढ़ा। देखो मैं पूरा बॉक्स टच करके लिख रही हूँ। फिर एक लाइन छड्डांगे, एक बॉक्स छड्डांगे ते लिखांगे ऐड़ा। फिर एक बॉक्स छड्डांगे ईड़ी। फिर एक बॉक्स छड्डांगे सस्सा। फिर एक बॉक्स छड्डांगे हा हा। तुसी देख सकते हो मैं पूरे बॉक्स दे विच अक्षर लिखन दी कोशिश कीती है। तुसी भी इस तरह ही लिखना है। हाँ एक गल दा ध्यान रखना है, पेंसिल चंगी तरह शार्प होनी चाहिए है। फिर एक लाइन छड्डांगे ते अगे लिखांगे कक्का। कक्का गग्गा गमले वाला कग्गा अंगा। अगली लाइन फिर एक लाइन छाड़ के चच्चा चच्चा जच्चा जहाज वाला चज्जा निया। फिर एक लाइन छड़ के टैंका ठठा डड्डा डड्डू वाला टड्डा नाना गिनती वाला नाना। फिर अब फिर एक लाइन छोड़ के लिखांगे तत्ता थत्था दद्दा तद्दा नन्ना। फिर एक लाइन छड्डांगे फिर लिखांगे पप्पा
फफा बब्बा पब्बा पेड़ वाला मम्मा। फिर एक लाइन छोड़ के यय्या रारा लल्ला वव्वा राड़ा। फिर लाइन छोड़ के शशा शशे पैरी बिंदी शा खखा खखे पैरी बिंदी खा गग्गा गग्गे पैरी बिंदी गा जज्जा जज्जे पैरी बिंदी जा फफा फफे पैरी बिंदी फा लल्ला लल्ले पैरी बिंदी ला। बच्चों तुसी देख सकते हो मैं हर बॉक्स नूं बॉक्स दे अंतर अक्षरां नूं लिखण दी कोशिश कीती है ना ते असी वड्डा वड्डा लिखांगे कि तां कि बॉक्स तो बाहर आ जाए ते ना ही बिल्कुल छोटा छोटा लिखांगे। बॉक्स दे विच लिखण दी कोशिश करनी है ते पेन दी लिखण तो बाद ए देखो असी स्केल दी सहायता दे नाल मार्जन लाइन ड्रॉ करांगे। बच्चों मैं एक होर तुहानू फर्क दसना चाहनी हाँ। देखो खखा है खखे दे उपर पूरी लाइन नहीं आती ते थत्था थत्थे दे उपर पूरी लाइन आती है। अक्सर बच्चे यह गलती करते हैं। फिर देखो मम्मा मम्मे दे उत्ते भी पूरी लाइन नहीं आती पर सस्से दे उपर पूरी लाइन आती है। ऐसे तरह ही पप्पा पप्पे दे उपर पूरी लाइन नहीं आती पर तद्दे दे उपर पूरी लाइन आती है। तुसी अक्षर लिखन लगे इन्हां गल्लां दा ध्यान रखना है। ते आओ अगले पेज ते असी अज दा काम देखिए। बच्चों जिवें कि असी पिछले लैक्चर विच पिछले पाठ विच असी व्याकरण दी किताब विचों पाठ नंबर 4 शब्द पढ़िया सी। अज आओ शब्द दे नाल रिलेटेड एक्सरसाइज करिए। आओ एक बारी फिर रिवाइज कर लईए असी शब्द बारे की पढ़िया सी। अक्षरां नूं जोड़ के शब्द बनाए जांदे हन जिन्हां दा कोई मतलब होना चाहीदा है जिवें कक्का मम्मा लल्ला कमल। ते बच्चो शब्द दो तरह दे हुंदे हन सार्थक शब्द ते निरार्थक शब्द। सार्थक शब्दां बारे असी पढ़िया सी कि सार्थक शब्द उह हुंदे हन जिन्हां दा कोई अर्थ हुंदा है ते निरार्थक शब्द उह हुंदे हन जिन्हां दा कोई अर्थ नहीं हुंदा। साड़ी आज दी एक्सरसाइज सार्थक ते निरार्थक शब्दां नाल रिलेटेड है। देखो असी किवें इस एक्सरसाइज नूं सॉल्व करना है। सब तो पहले जद भी पंजाबी दी कापी ते कोई काम करना है असी दो लाइनां छड़ के स्केल दी मदद दे नाल मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है ते फिर उपर भी स्केल दे नाल ही लाइन ड्रॉ करनी है। फिर असी डेट लिखनी है ते दूसरी साइड पे असी लिखना है एच डॉट डब्ल्यू यानी कि होमवर्क। फिर असी पाठ दा ना लिखना है एक लाइन छड्डन तो बाद पाठ दा ना लिखना है पप्पे कन्ना ठठा पाठ ते एक लाइन छो एक बॉक्स छड़ के पाठ दा नंबर लिखना है जिवें कि मैं लिखिया है पाठ 4। फिर एक लाइन छड़ के असी पाठ दा हैडिंग देना है ते हैडिंग देन लगे असी हैडिंग नूं सेंटर दे विच लिखना है जिवें मैं लिखिया है शब्द। फिर एक लाइन छड़ के देखो पहले तो मैं मार्जिन विच लिखिया है एक्सरसाइज 1। देखो एक्सरसाइज च मैं की लिखिया है आराम नाल मेरे नाल पढ़न दी कोशिश करो। हेठां दित्ते शब्दां विचों सार्थक अते निरार्थक शब्द वक्ख वक्ख करके लिखो। तुसी देख रहे हो मैं हर शब्द नूं
लिखन तो बाद एक बॉक्स छड़ के फिर दूसरा शब्द लिखिया है। ऐसी एक्सरसाइज की पढ़िया है कि नीचे कोई कुछ शब्द दिते गए हैं, इन्हां विचों सार्थक ते निरार्थक शब्द अलग करने हैं। आओ बड़े ध्यान नाल इन्हां शब्दां नूं पढ़िए। जिवें कि पहला शब्द है राटी, स्काल, बच्चा, ताणी, रोटी, सब्जी, स्कूल, पानी, सुब्जी, अनार, अनूर, बुच्चा। बच्चों उन्हें शब्द विच सार्थक शब्द भी हैं ते निरार्थक शब्द भी हैं। हुण असी इन्हां नूं किवें हल करना है, असी दूसरी कापी दूसरे पेज ते, क्योंकि इत्थे ते जगह खत्म हो गई है, दूसरे पेज ते फिर मार्जिन लाइन ड्रॉ करांगे। साडा तरीका उही है मार्जिन लाइन ड्रॉ करन दा। फिर असी हैडिंग पावांगे सार्थक, ससा, ससेकन्ना, सा, रर्रा, थत्था, कक्का। जो असी बोल बोल के लिखते हाँ तो साड़ी रिवीजन चंगी हो जाती है तो गलती भी नहीं होती। हुण देखो सार्थक तो मैं लिख लिया, जे मैं एक बॉक्स छड़ के लिखन की कोशिश करांगी तो मेरा शब्द वर्ड पूरा नहीं आएगा, तो इनू मैं नीचे वाले एक लाइन छड़ के नीचे तो लिख देवांगी, जिवें शशा, बब्बा, दद्दा। शब्द सार्थक शब्द। ते दूसरे पासे असी लिखांगे निरार्थक शब्द। नन्ना, नन्ने सिहारी, रारे कन्ना, रारा, थत्था, कक्का, निरार्थक। फिर एक लाइन छड़ के लिखांगे शशा, बब्बा, दद्दा। शब्द सार्थक शब्द ते निरार्थक शब्द। साड़ा पहला शब्द की है राटी। राटी, राटी का कोई मतलब नहीं निकलता है ना। फिर यह किहड़ा शब्द होया, निरार्थक शब्द होया। फिर असी इहनूं कित्थे लिखांगे, निरार्थक शब्दां दे कॉलम विच लिखांगे। एक लाइन छड़ के असी लिखांगे राटी, रारे कन्ना, टैंके, बिहारी, राटी। मज़ा आ रहा बेटा। चलो अगला शब्द भी पढ़िए। अगला शब्द सी साडा सकाल। सकाल दा कोई मतलब है, सकाल दा तां कोई मतलब नहीं है। फिर यह किहड़ा शब्द होया, निरार्थक शब्द। तो यह किहड़े कॉलम विच आएगा, सार्थक शब्द अगे कि निरार्थक शब्द के कॉलम च, निरार्थक शब्द के कॉलम च आएगा ना। तो चलो फिर एक लाइन छड़ के असी लिखांगे सकाल, ससा, कके कन्ना, लल्ला, सकाल। मैनू पता तुसी बड़ा इंजॉय कर रहे हो। एक शब्द होर करांगे। अगला शब्द है बच्चा। बच्चे का मतलब तो सानू सब नू पता है, इहदा अर्थ निकलता है बच्चा मतलब चाइल्ड। तो फिर यह किहड़ा शब्द होया, सार्थक शब्द। असीं इहनूं कित्थे लिखांगे, सार्थक शब्द के हेठां लिखांगे। एक लाइन छड़ के असी लिखांगे बब्बा, बब्बे अदक, चचा, चचे कन्ना, बच्चा। बच्चों इस तरह ही तुसीं इस होमवर्क नूं कंप्लीट करना है। मैं फिर एक बार याद करा दिया कि तुसी राइटिंग बॉक्स के अंदर अक्षर नूं लिख के सोहनी सोहनी करनी है। तो जब तुहानूं लगे कि तुहाड़ी राइटिंग डल आ रही है तो पेंसिल नूं दोबारा शार्प करना है। तो कोई भी लेड पेंसिल नाल नहीं लिखेगा, सब वुडन पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। तुसी सारे बड़े प्यारे बच्चे हो, सोहनी सोहनी राइटिंग करोगे, सोहना सोहना काम करोगे, ताकि तुसी गुड लै सको, स्टार लै सको। मैं उम्मीद करनी हाँ तुहानूं बहुत चंगी तरह एक्सरसाइज समझ आ गई होएगी। धन्यवाद।